अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज 28 मई की 25 बड़ी और अहम खबरें देखेंगे सिर्फ 5 मिनटों में। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं बीबीएन स्पीड न्यूज। अमेरिका में कोरोना वायरस ने मचाई तबाही। कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 1 लाख से ज्यादा। 17 लाख लोग हुए हैं मुतासर, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कराया गया टेस्ट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में WHO को नाकाम बताने वाले अमेरिकी इल्जाम के बाद अब WHO ने फंड जुटाने के लिए अलग फाउंडेशन का किया ऐलान। आम लोगों से भी लेगा मदद। चीन के उगैर मुसलमानों को हिरासत में लेने से चीनी हथियारों को रोकने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने बिल को दी मंजूरी। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ सकती है कशीदगी। फेक ट्वीट के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने दिया करारा जवाब। कहा, हम आलमी सतह पर इलेक्शन के बारे में गलत या मुतनाज़ जानकारी सामने लाना जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फराह में तालिबानी जंगजुओं के हमले में कम से कम 7 पुलिस एहलकारों की हुई मौत और 3 दीगर हुए जख्मी। अफगानिस्तान में हालात हुए मजीद कशीदा। कोरोना वायरस वबा के दौरान घर से काम करने वालों के लिए गूगल ने किया बड़ा ऐलान। वर्क फ्रॉम होम कर रहे मुलाजमीन को अलाउंस के तौर पर दिए जाएंगे 75,000 रुपए। भारत में टिड्डियों या लोकस पर काबू पाने के लिए ड्रोन से कीड़ा मार दवाइयों का किया जाएगा छिड़काव। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन से छिड़काव के लिए दे दी मशीन। कोरोना बहरान के दरमियान दिल्ली के शहरियों को मिली खुशखबरी, जल्द ही पटरियों पर दौड़ेगी मेट्रो। मुलाजमीन को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। मुसाफिरों के साथ साथ स्टाफ को भी खास ध्यान रखने की दी जा रही है जानकारी। जम्मू कश्मीर में फौज ने पुलवामा जैसे हमलों को बनाया नाकाम। पुलवामा के पास खड़ी की गई कार में करीब 40 से 50 किलो IED प्लांट किया गया था, जिसे नाकारा बना दिया गया। धमाके से IED को कर दिया गया तबाह। बीजेपी के तर्जमान सम्बित पात्रा में कोरोना वायरस के सिम्टम्स। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया दाखिल। बीजेपी लीडरों ने ट्वीट करते हुए सम्बित पात्रा के जल्द ठीक होने की दुआएं की। ममता बनर्जी ने अमित शाह की जानिब से बार बार मरकजी टीमें बंगाल भेजने पर कहा, आप ही संभाल लीजिए रियासत की बागडोर। तब अमित शाह ने दिया जवाब, नहीं नहीं, हम एक मुंतखब हुकूमत को कैसे कर सकते हैं नापसंद। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने माइग्रेंट मजदूरों पर मरकज की मोदी हुकूमत को दिया मशवरा। खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंद परिवार को हर महीने 7,500 रुपए की करें मदद। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी लीडरों को कहा, ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने का है। प्रियंका ने कहा, भारत माता रो रही है और मोदी जी खामोश बैठे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर माइग्रेंट मजदूरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, बेफिक्र सरकारों से अदालत मांगे जवाब। PM मोदी ने यौम पैदाइश पर वीर सावरकर को पेश किया सलाम। ट्वीट करते हुए कहा, आजादी की लड़ाई में ताउन देने पर करते हैं याद। सावरकर के फ्रीडम फाइटर होने पर इससे पहले उठ चुके हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट मजदूरों की बदहाली पर जारी किए अहकामात। कहा, किसी भी माइग्रेंट मजदूर से घर जाने के सफर का 1 पैसा भी किराया वसूल ना किया जाए। रियासती हुकूमतें आपसी तालमेल से सारा खर्च करे बर्दाश्त। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन से ओडिशा के माइग्रेंट मजदूरों को ले जा रही बसों को हरी झंडी दिखाई। दीगर कांग्रेसी कायदीन भी रहे मौजूद। उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत अपने वीडियो पैगाम में मोदी हुकूमत के सामने गरीब फैमिली के बैंक अकाउंट में आइंदा 6 महीनों तक हर महीने 7,500 रुपए जमा करने का किया मुतालबा। राजस्थान और यूपी के बाद अब टड्डी दल या लोकस्ट के तेलंगाना में आने का अंदेशा। CM KCR ने आला अहदेदारों, ज़राअत के माहिरों और साइंसदानों के साथ मुनक़द किया जायजा इजलास। तेलंगाना के वजीर तालीम P. सविता इंदिरा रेड्डी और GHMC मेयर बी राम मोहन ने शहर हैदराबाद के LB नगर में LHS अंडरपास और कामिनेनी जंक्शन के करीब RHS फ्लाईओवर का किया इनॉग्रेशन। सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान के साथ की मीटिंग। फिल्मों की शूटिंग और थिएटर्स के दोबारा खोलने की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के बानी NT रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खराज पेश किया गया। चंद्रबाबू ने NTR को भारत रत्न देने का किया मुतालबा। तेलंगाना के जिला नलगुंडा के राजमपेट तांडा में जाली में फंस गया तेंदुआ, हुआ जख्मी। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बावजूद तेंदुए का फॉरेस्ट एहलकारों पर हमला, 2 एहलकार जख्मी। जू ले जाते हुए रास्ते में हुई तेंदुए की मौत।
मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के लीडर और पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने आज मदीना एक्स रोड से गुलजार हाउस तक एंटीवायरस दवा का छिड़काव करवाया। सुहेल कादरी अपनी निगरानी में वक्तन फोक्तन करवा रहे हैं ये काम। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए पद्मश्री मुश्तबा हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे उर्दू जबान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी दिन भर की अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।